गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 6 बजे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन रोड। चलिए आज एक छोटी सी साइकिलिंग राइड पे चलते हैं सुबह सुबह। ये साइकिलिंग राइड जो नया गुड़गांव में एक साइकिलिंग ट्रैक बना है फ्रॉम सुभाष चौक टू हुडा सिटी सेंटर, इसको प्रिसाइसली कवर करेगा आज कम्प्लीटली, राइट फ्रॉम दी एंट्री पॉइंट टू दी एग्जिट पॉइंट। अपने पिछले व्लॉग में मैं 70% इस पूरे ट्रैक को कवर किया था, लेकिन उसके बाद आई टुक अ डिटोर ताकि एक थोड़ी लंबी साइकिलिंग राइड पे जा सकूं। बट आज के पर्टिकुलर राइड पे हम लोग इस 10 किलोमीटर के ट्रैक को कम्प्लीटली कवर करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि इस ट्रैक पे क्या क्या आता है, क्या दिखता है, वेदर राइडिंग साइकिलिंग करते समय कैसा फील होता है एंड वेदर ये सेफ भी फील होता है कि नहीं। सो सिट टाइट, रिलैक्स, ग्रैब योर चाय, पॉपकॉर्न, व्हाटएवर यू प्रेफर एंड आइए चलिए साइकिलिंग शुरू करते हैं। सुभाष चौक से, सोना रोड से सुभाष चौक पे आके सुभाष चौक से राइट ले लिया है टुवर्ड्स हुडा सिटी सेंटर। जो 10 किलोमीटर का नया साइकिलिंग ट्रैक गुड़गांव में खुला है सोना रोड की तरफ से, उसका जो एंट्री पॉइंट है वो अब आने वाला है। आप देख सकते हो जस्ट सुबह हो रही है, देयर इज हार्डली एनीवन ऑन द रोड, बट जूस वाले जरूर मिल जाते हैं। सामने ही एक जूस वाला खड़ा है। ये वो फर्स्ट कट है लेफ्ट पे, जिसपे आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेते ही सर्विस लेन की तरफ जाइए एंड यहाँ से वो साइकिलिंग ट्रैक शुरू होता है फ्रॉम सुभाष चौक। ये रोड के बोथ साइड्स है, लेफ्ट एंड राइट। आज हम लोग पूरा इस ट्रैक को कवर करेंगे फ्रॉम दिस एंट्री पॉइंट ऑल द वे अप टू सुभाष चौक के एग्जिट पॉइंट तक। काफ़ी साफ सुथरा और ट्रैक है ये, काफ़ी स्मूथ टारमैक है। साइकिलिंग बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है इस पे। मैंने अपनी साइकिल जिसमें 18 गियर्स हैं, इसमें आगे वाले स्प्रॉकेट बोलते हैं आई थिंक उसको, जो गियर व्हील है आगे में 3 हैं, उसमें जो बीच की सेटिंग है सो नंबर 2 उस पे सेट कर रखा है एंड पीछे 6 हैं, उसमें जो नंबर 4 है सो सेकेंड लास्ट गियर उस पे सेट कर रखा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे खाली रेसिडेंशियल हाउसेज आते हैं लेफ्ट पे। रोड काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया, काफ़ी स्मूथ है। साइकिलिंग में आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइकिलिंग ट्रैक छोड़ना पड़ेगा और उसके जस्ट बाद फिर से आप लेफ़्ट लेके साइकिलिंग ट्रैक पे आ जाएंगे। ये एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है लेफ़्ट पे, ये ऑपरेशनल होता है, कभी साइकिल की हवा भी निकल जाए तो यहाँ भरवा सकते हैं। अब आगे एक मंदिर आ रहा है, ये पहला मंदिर है ऑन द रूट। ये लेफ्ट पे एक और मंदिर है, मंदिर नंबर 2। आई थिंक टेम्परेचर कुछ 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस। भीनी भीनी सी ठंड सर्टनली है। अब लेफ्ट पे जो आ रहा है वो है साइबर पार्क। ये हमारे लेफ्ट पे साइबर पार्क निकल रहा है इस समय। ये जो सेक्शन ऑफ द रोड है काफ़ी अच्छी है टू राइड एंड काफ़ी प्लेजेंट भी है। साइबर पार्क जैसे ही निकल जाएगा, इसके बाद का जो स्ट्रेच है वो मोस्ट प्लेजेंट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑन दिस रूट फॉर साइकिलिंग। ये यहाँ से शुरू होता है एंड देयर इज़ अ नाइस कर्व ऑन द लेफ्ट and then quickly on the right. So there's the curve. Lovely. ये वो stretch of the road है, जो या stretch of the track है, जो काफ़ी pleasant है to ride because this track पे कोई गाड़ी allowed नहीं है। आप देख सकते हो आगे barricades लगे हुए हैं, so no vehicles can enter and जिसके कारण आपका एक मोमेंटम बन जाता है साइकिल चलाते वक्त। एंड मोमेंटम का बेनिफिट ये होता है कि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आप देख सकते हो बहुत ही प्लेजेंट व्यू है। इफ यू लुक अहेड बहुत ही प्लेजेंट है। एंड क्योंकि अभी जस्ट सवेरा हुआ ही है एंड ठंड के दिन आ गए हैं, एटलीस्ट गुड़गांव में तो आ गए हैं। काफ़ी कम लोग इस समय दिख रहे हैं। ये बेस्ट स्ट्रेच है। अब यहाँ पे फुटपाथ को भी काट के रास्ता बनाया गया है, विच इज वंडरफुल। ये वो सेकेंड लास्ट स्ट्रेच है just before reaching HUDA City Centre, and again one of those pleasant sections to ride on a bicycle. अभी तक कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं आया जिसमें आप अनसेफ फील करें या अनकम्फर्टेबल फील करें। आई थिंक ये काफ़ी प्लेजेंट है, certainly safe है। The tarmac is super smooth, brand new बना है, कहीं पे भी undulations या bumps नहीं है। So cycling एक breeze जैसा प्रतीत होता है। अब हमारा ये ट्रैक आप यूँ समझे कि HUDA City Centre पहुँच गया है। आपको आगे अभी दिखेगा। सो सर्विस लेन से हम लोग बाहर आ गए हैं HUDA City Centre की तरफ। बाकी सर्विस लेन अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। ये एक और मंदिर आ गया लेफ्ट पे, तीसरा मंदिर ऑन द रोड। सो हम लोग HUDA City Centre पहुंच गए हैं। वी विल नाउ टेक अ यू टर्न ताकि ट्रैक के अपोजिट साइड ऑफ द रोड के सेक्शन पे जा सके। यू टर्न लेते ही GMDA का ऑफिस है लेफ्ट पे, एंड आप देख सकते हो। फिर आप सर्विस लेन में आ जाओ एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ द ट्रैक जहाँ से शुरुआत हुई थी। एक चाय वाला है राइट पे। अब वी आर राइडिंग बैक, हम साइकिल चला रहे हैं फ्रॉम HUDA City Centre टुवर्ड्स सुभाष चौक। सो ऑन द रिटर्न जर्नी बीच में कहीं रुकेंगे एक फ्लूइड ब्रेक के लिए। इट इज़ रियली ब्रीज टू राइड। आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरा मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ, कहीं मुझे स्टॉप नहीं करना पड़ा। कंटिन्यूसली मैं साइकिल चला पा रहा हूँ, जो कि एक बिग पॉजिटिव है। अक्सर नहीं तो रोड्स पे ये फिर से वो सेक्शन आ गया जहाँ पे बहुत ही अच्छे से फुटपाथ को भी काटा गया है टू अलाउ द साइकिलिस्ट्स टू राइड फ्री, जो कि एक बहुत अच्छा थॉट है। ये आप देख सकते हैं जो लॉन्च हुआ था ये साइकिलिंग ट्रैक, तो उसका ये साइन बोर्ड है। आइए अब एक क्विक फ्लूइड ब्रेक लेते हैं। आई जस्ट हैड अ वाटर ब्रेक। अब वापस अपनी राइड शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सो हल्की सी ठंड है बट प्लेजेंट है। अब ये आगे लेफ्ट पे एक मार्केट आ गया है, लोकल मार्केट है। उससे एडजॉइनिंग HSBC की ऑफिस बिल्डिंग है। अब वही साइबर पार्क राइट पे निकल रहा है और लेफ्ट पे एक विला कम्युनिटी है। यहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स हैं। आइए स्पीड ब्रेकर काउंट करते हैं। ये था पहला। इट्स अ लवली विला कम्युनिटी। ये था दूसरा स्पीड ब्रेकर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये एक ऐसी ट्रैक है या रोड है जिस पे कोई कार्स या स्कूटर्स अलाउड नहीं है, जो आएंगे नहीं, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो फॉर स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत क्या है? इट जस्ट ब्रेक्स द मोमेंटम ऑफ द साइकिलिस्ट्स। सेफ्टी का व्यू पॉइंट मैं समझ सकता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कोई कार स्कूटर्स नहीं आने वाली। ये है तीसरा स्पीड ब्रेकर। एक बनाता है तो बाकी लोग भी अपनी कम्युनिटी के बाहर बनाने लग जाते हैं। यह है चौथा स्पीड ब्रेकर। वो था पाँचवा और ये है छठा स्पीड ब्रेकर। 6 स्पीड ब्रेकर हैं टोटल एक छोटे से तकरीबन 50 मीटर के डिस्टेंस पे। बाकी और कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। सो आप जब साइकिलिंग कर रहे हैं तो बाकी ट्रैक पे आपका मोमेंटम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। एंड ये जो 6 स्पीड ब्रेकर हैं इनमें से 2 थोड़े से रफ हैं। ये थोड़ा सा एक स्ट्रेच है जो थोड़ा सा फिल्दी है, बट हार्डली 10 मीटर्स। सो बाकी स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी स्मूथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अगर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएँ तो ऑब्वियसली स्पीड को ब्रेक करने के लिए बनाएं, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर या किसी की कमर ब्रेक करने लायक या वैसे बिल्कुल ना बनाया जाए। अब वो जो एक बड़ा चौराहा पड़ा था, ट्रैफिक लाइट, हम लोग बस उस तक पहुंच गए हैं। आई थिंक इसको बख्तावर चौक बोलते हैं। अब ये ट्रैक बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक लाइट लार्ज इंटरसेक्शन, ये ट्रैक यहाँ से थोड़ा सा 50 मीटर के लिए डिसकन्टिन्यू हो जाता है। अब वापस ओल्ड ट्रैक जो था आप उस पर आ जाते हैं। ये वो ओल्ड ट्रैक है जिसमें मैं चला रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट लेन। ट्रैफिक लाइट रेड है तो थोड़ा रोक लेते हैं। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई, लेट्स गो। ट्रैफिक लाइट के जस्ट बाद हम वापस लेफ्ट आ जाइए एंड फिर आप वापस साइकिलिंग ट्रैक पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ फूड कार्ट्स वाले हैं, सुबह सुबह ऑब्वियसली बंद रहते हैं, दिन में हो सकता है कि यहाँ थोड़ी भीड़ हो। अब हमारे लेफ्ट पे एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आ रहा है। ये दूसरा पेट्रोल पंप है इस रास्ते पे। एक सुभाष चौक से हुडा सिटी सेंटर जाते वक्त आता है, वो इंडियन ऑयल का है, और ये हुडा सिटी सेंटर से वापस सुभाष चौक जाते वक्त लेफ़्ट पे आता है, ये भारत पेट्रोलियम का है। लेफ़्ट पे एक नर्सरी भी आती है। फर्दर अप इस ट्रैक पे लेफ़्ट पे अब होटल्स आते हैं। यहाँ पे ओयो एक्सेट्रा काफ़ी सारे नए बन रहे हैं। बहुत कम ही कमीशन हुए हैं शायद, ऐसा देखने से लगता है। अब हम लोग ट्रैक के लगभग एंड तक आ गए हैं। सो मैं अपना व्यू पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये ट्रैक काफ़ी प्लेजेंट है टू राइड। इट्स अ ब्रीज टू राइड ऑन। आपका मोमेंटम बना रहता है, मोमेंटम ब्रेक नहीं होता। एंड जहाँ तक स्पीड ब्रेकर्स का सवाल है, 6 हैं लेकिन 50 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, सो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते। ये टोटल अराउंड 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है, 9 या 10 किलोमीटर। एंड पूरा ट्रैक सेफ फील होता है, कहीं भी ऐसा अनसेफ फील नहीं हुआ। मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप कोविड टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बेस्ट है। अगर आप सुबह थोड़ा वक्त निकाल सकें, अपनी साइकिल निकालिए और गुड़गांव के साइकिलिंग ट्रैक पे को थोड़ा एंजॉय करके सेहत भी बनी रहेगी। सो ऑन दैट नोट आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक आगे ख़त्म हो रहा है। एंड ये ट्रैक यहाँ पे सुभाष चौक की तरफ ख़त्म हो जाता है और बड़े ब्यूटीफुली इसको एक एग्ज़िट दिया गया है, एक कर्व बना के एग्ज़िट एंड देन एंट्री पॉइंट बैक टू द मेन रोड। सो विद दैट वी हैव कम टू दी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकॉन फॉर अपडेट। आई थिंक जहाँ तक आज के व्लॉग का सवाल है, आज की जर्नी यहीं तक थी। इसी के साथ आज का व्लॉग क्लोज करते हैं। स्टे वेल, डू वेल, बी वेल एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। टेक केयर, चाओ फॉर नाउ।